केरल में हिंदी की अध्यापिका मैडम निशा जी बेहद लाजवाब तरीके से मात्रा ज्ञान सिखाने के विभिन्न तरीके आपको बताएंगी, जिनसे हिंदी शिक्षण काफ़ी आसान और काफ़ी रोचक हो जाता है। केरल में हिंदी सिखाना अपने आप में टिपिकल है। कैसे सरल बनाते हैं? आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, आऊ की मात्रा, आम की मात्रा, आहा की मात्रा। बच्चों की लाजवाब गतिविधि के बाद आइए देखते हैं लाजवाब शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके कैसे सिखा सकते हैं। देखिए बच्चों, ये कौन सा अक्षर है? का। यहाँ लिखते हैं ये कौन सा अक्षर है? का। चार्ट का किस प्रकार से बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं मात्रा सिखाने के लिए? कैसे करवाएं अधिकतम अभ्यास ताकि बेहतर परिणाम पाए जा सकें? तो अभी हमने देखा किस प्रकार से मैडम निशा जी ने केरल में, जहां पर हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, इस तरह के वातावरण में बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए किस तरह के नायाब TLM का उपयोग किया और शायद वो कामयाब रहे। हमने बच्चों के बोलने के और पढ़ने के तरीके देखे, तो इस तरह से प्रयास करने की ज़रूरत है। जब केरल में इस तरह के प्रयास कर सकते हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं, जहां पर हिंदी को आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, वहां पर तो इस तरह के प्रयासों से और अधिक बेहतर परिणाम पाए जा सकते हैं। हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं मैडम निशा जी का, जिन्होंने इतने शानदार TLM बना करके बच्चों को सिखाने के लिए बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत रंग ला रही है। नमन ऐसे नवोदय क्रांति के समर्पित साथी को। जय शिक्षा, जय शिक्षक, जय नवोदय क्रांति।